क्या खिंगी कर रही है? कभी पढ़ाई भी इतने इंटरेस्ट के साथ कर लिया कर, किससे बात कर रही है? मम्मी मीम्स पेज देख रही हो, ये देखो। मम्मी से चला की, रुक जा। मम्मी दी, नेहा का बॉयफ्रेंड काफी स्मार्ट है वैसे, बॉडी शॉडी वाला है ना। आप कब मिली उससे? अरे वो कॉलेज उसी के साथ जाती है ना डेली, मैंने बालकनी से देखा था। हाँ मम्मी, वो ना कॉलेज के बाद शादी करने वाले हैं। और तो और मेरी फ्रेंड श्रुति है ना, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती है, और वो भी ना कॉलेज के बाद शादी करेंगे। अच्छा, अरे वाह, तेरी सारी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड है? नहीं मम्मी, वो तो बस। अरे नहीं नहीं, कोई गलत बात थोड़ी है बॉयफ्रेंड होना, आजकल तो नॉर्मल बात है। और सही भी तो है, बच्चे अपने आप पसंद कर लेते हैं और माँ बाप की सिरदर्दी कम हो जाती है ना। तू बता, तुझे भी कोई पसंद है? क्या बात है, मेरी मम्मी तो इतनी फ्रेंक है, खामा खा बुरा समझती थी मम्मी को। हाँ मम्मी, वो राज, मैं और राज ना एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, और हम ना पूरे 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। यू नो व्हाट, हम एक वीक में ना 2 बार मूवी जाते हैं और 1 बार डिनर। और वो ना बहुत गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। और तो और वो मुझे डेली पिक एंड ड्रॉप करता है कॉलेज के लिए, मेरा किराया भी बच जाता है मम्मा। हाँ बेटा, मुझे सब पता है, मैंने नेहा को नहीं तुझे ही देखा था बालकनी से। आज तो बड़े दिनों में दर्शन दिए हैं आपने। अरे क्या बताऊं, टाइम ही नहीं मिलता है पूरे दिन घर का काम, सोचा आज फ्री हूँ तो थोड़े गप्पे शप्पे लगा लूं। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? दीप को बोलो ना, दीप चाय बनाएगी, और वैसे भी आज तो मैं दीप के हाथ की चाय पी के जाऊंगी। अरे उससे टाइम कहाँ, अभी कॉलेज से आई है, थोड़ी देर में कोचिंग जाएगी। अच्छा, मेरी बेटी हिमांशु तो भाई बहुत सही है, फिर तो पूरे दिन पढ़ाई करती है, सुबह घर का काम करके जाती है और शाम को करके आती है। कहती है मम्मा आप एक भी काम मत करो, सुनो ना आप भी दीप से काम कराओ, ससुराल जाएगी तो फिर आपका नाम कैसे रोशन करेगी। कोई बात नहीं, बच्चे बस पढ़ाई कर ले वही काफी हमारे लिए। गोली से उड़ाने को मन करता है ना आंटी को, कुछ काम नहीं होता क्या इन्हें? आ जाती है मम्मी को एडवाइस देने, अपनी बेटी से काम करवाया करो। कोई बुला रहा है क्या? मम्मी बुला रही थी क्या? कान ज्यादा बज रहे हैं तेरे। भाई बुला रहा था क्या तू? अबे चलना अपना काम कर। ये पूछ लगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया मुझे ही बुला रही है? अब नहीं सुनने वाली मैं। कब से आवाजें लगा रही हूँ चिल्ला चिल्ला के कि बाहर बारिश आ रही है, कपड़े उतार ले जाकर, सुनाई नहीं देता? हैप्पी बर्थडे यार, आई एम सॉरी कल रात को विश नहीं कर पाई, टायर्ड थी तो जल्दी सो गई थी। असे सुन, रात को ना पार्टी है, टाइम से आ जाना। चल सही है यार, ठीक है रखती हूँ। तो तुमने नहीं किया वो कमेटी? नहीं की। मम्मी हिमांशु का बर्थडे, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ओके मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, टाइम से आ जाना। बेटा तू अकेली जाएगी रात को? इसका ऐसे इन कपड़ों में बाहर जाना अच्छा है क्या? माहौल बहुत खराब है बेटा, ऐसे रात को ये छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर मत जाओ। ठीक है बेटा, खुशी को ले जा फिर साथ में। ठीक है दीदी, मैं फिर रेडी होके आती हूँ। मम्मी पार्टी तो 10 बजे से स्टार्ट है ना? हाँ तो उससे बोल देना कि 7 बजे केक काट ले।
का खून कर दूंगी, आ जाती है घर में आग लगाने। मैं नहीं जा रही। ये लड़की भी ना, आज घर पे गेस्ट आ रहे हैं, पहले ही बता रही हूँ उनके सामने तमीज से पेश आना दोनों, ठीक है? वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ओके मम्मी। आंटी नमस्ते। आंटी नमस्ते। और कैसे हो, पढ़ाई ठीक चल रही है? बस आंटी ठीक चल रही है। खाओ खाओ। खौफ नहीं रहा बिल्कुल भी मेरा। वो मम्मी, शॉपिंग के लिए थोड़े पैसे दे दो। मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे। तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया, खुद करो अपने खर्चे। शर्मा की लड़की को देखो, गवर्नमेंट बैंक में जॉब कर रही है, अपने खर्चों के साथ साथ ना घर के भी खर्चे करती है। पैसे दे दो। 5 साल बड़ी है वो। दीप, तूने बुक परचेज कर ली? नहीं यार, अभी कहाँ खरीदी है बुक्स। और वैसे भी मम्मी बोल रही है कि अपने खर्चे खुद करो, बस समझ नहीं आ रहा, देखती हूँ क्या करना है। चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। कितने पैसे चाहिए बुक्स के लिए? 5K, 5,000। कर दिए तेरे अकाउंट में ट्रांसफर। और बुक्स ही खरीदना, इधर उधर खर्च मत करना वरना बहुत मारूंगी। तुम्हारा सही है मम्मी, मतलब शॉपिंग के लिए पैसे नहीं थे लेकिन बुक्स के लिए पैसे हैं, है ना? हाँ, तो फालतू खर्चों के लिए नहीं है। उठ जा नालायक, 10 बज गए। क्या 10 बज रहे? मैंने तो अलार्म लगाया था 8 बजे का। क्या यार मम्मी, अभी तो 7 ही बज रहे हैं। हमेशा झूठ बोलती हो। ये ले टमाटर लेकर आ, ठीक से देख कर लाना। मैं नहीं जा रही। फिर तुम कभी निकालती हो कि ऐसे ले वैसे ले। मैं नहीं आ रही। जा रही है नहीं जा रही है? टमाटर कितने के मिले? 80 रुपए किलो। हो, इतने महंगे लेकर आई है सड़े हुए टमाटर? एक काम कर, वापस करके आए ने, मैं ले आऊंगी। मैंने बोला था ना तुम ही चले जाती, हमेशा ऐसे ही करती हो तुम। मैं नहीं जा रही, हमेशा बेइज्जती कराती हो मेरी। जा रही नहीं जा रही है? दीप, मैं मार्केट जा रही हूँ, गेट ठीक से बंद कर ले। मम्मी नहीं क्या घर पे तुम्हारी? हाँ आंटी, वो मार्केट गई है। अच्छा, वो मैं क्या कह रही थी, चीनी खत्म हो गई थी, थोड़ी चीनी। हाँ आंटी, मैं लेकर आती हूँ। और अदरक और इसमें थोड़ी चाय पत्ती भी डाल देना। आंटी चाय भी बना कर दे दूँ? गैस खत्म हो गई होगी ना आपकी। चाय लो ना दीदी। और बताओ बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे मेरी बेटी को टाइम कहाँ है आजकल। बेचारी ने स्कॉलरशिप से एडमिशन लिया MBBS में, पूरे दिन पढ़ाई करती रहती है। जितनी सुंदर है ना मेरी बेटी, नजर न लगाए उतनी ही होनहार है। अच्छा दीप और रिंकू नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है वो? अच्छा वो दोनों पढ़ाई कर रहे होंगे, अंदर ही हैं। मैं तो बहुत शुक्रिया करती हूँ भगवान का कि मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं। बस क्या ही बताऊँ, मेरे ऐसे बच्चों की तरह ना सोसाइटी में बच्चे ही नहीं हैं। इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे को इतना ख्याल रखते हैं ना, बस क्या ही बताऊँ। चुड़ैल मुझे भी देखने दे टीवी। कुत्ते कमीने, सुबह से तू देख रहा है, रिमोट इधर।
शायद टीवी का वॉल्यूम बढ़ा लिया होगा। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं देख कर आती हूँ। शर्मा, उस दिन की चाय अच्छी थी लेकिन थोड़ी शक्कर ज्यादा हो गई थी। वो देखो आजकल की लड़कियों को ना बिल्कुल शर्म नहीं रह गई है। ये देखो कैसे पेट चमका रही है और इतनी छोटी सी स्कर्ट, हाय दैया, पूरी टांगे चमक रही है। और ये देखो कितनी लंबी हील। मेरी बेटी अगर ऐसा करे ना, मैं टांग तोड़ के उसे घर में बिठा दूंगी। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं बहन जी, अपनी मनमानी करते हैं। जी हाँ आंटी। आंटी मैंने क्रॉप टॉप पहना हुआ है, उसमें एक से आधा इंच टमी शो हो रहा है ना? और आपने ब्लाउज पहना हुआ है, 4 से 5 इंच टमी तो शो ही हो रहा है, तो ये सही है क्या? अच्छा आप ये सब छोड़ो, आपको पता है आपकी बेटी ने आज हॉट रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है, छोटा सा। ओह सॉरी, आपको कैसे पता होगा, कॉलेज बैग में भर के ले गई होगी ना। हाँ चलो मैं आपको स्टोरी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ क्लब टाइप लग रहा है ना, अरे जहाँ पे पार्टी शार्टीज होती हैं। हाँ वही। और ये उसके हाथ में क्या है, दारू, सॉरी एप्पल जूस भी तो हो सकता है ना। और ये इसका छोटे वाला ड्रेस। तो फिर आंटी मैं आपको बैट अपने घर से दूँ या आपके घर पर है टांगे तोड़ने के लिए?